नमस्कार, खबर जरा हटके में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति। बात करते हैं आज की अजीब खबर की। पुलिस की गंजों को चेतावनी, तुम लोगों की जान को खतरा। हमारे देश में कहावत है, जिनके सिर पर बाल नहीं होते वे बहुत अमीर होते हैं। लेकिन पूर्वी अफ्रीका के एक देश मोजाम्बिक में जो लोग एल्बिनो होते हैं, उनसे कहा गया है कि वे सावधान रहें, क्योंकि सिर पर कम बाल वाले लोगों को और भी खतरा हो सकता है। मोजाम्बिक में जिन लोगों के सिर पर बाल नहीं है और अगर वे अल्बिनो हैं, तो उन्हें पुलिस ने सावधान रहने को कहा है। पुलिस ने गंजे लोगों के लिए हिदायत जारी करते हुए कहा है कि उन पर हमला हो सकता है और उनकी हत्या की भी कोशिश की जा सकती है। पुलिस का कहना है कि अंधविश्वास से जुड़ी मान्यताओं के कारण गंजे व्यक्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। हाल ही में 2 गंजे लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। माना जा रहा है कि इन दोनों को मारने के बाद उनके शरीर के अंगों का इस्तेमाल तंत्र मंत्र और काला जादू से जुड़ी चीजों के लिए किया गया। द गार्डियन में छपी एक खबर के मुताबिक पिछले दिनों जिन 2 गंजे लोगों की हत्या हुई, उनमें से एक का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया गया था। इस शख्स का सिर गायब था, साथ ही उसके कई अंग निकाल लिए गए थे। मोजाम्बिक के जिस हिस्से में ये वारदात हुई, वो इलाका पहले से ही गोरी रंगत वाले लोगों पर अत्याचार किए जाने के लिए कुख्यात है। नेशनल पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि पिछले महीने 2 गंजे लोगों की हत्या के बाद शक के आधार पर हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता ने यह भी कहा कि लगता है कि इन लोगों की हत्या अंधविश्वास से जुड़ी मान्यताओं की वजह से हुई है। ये दोनों हत्याएं मिलांग इलाके में हुई। दोनों मृतकों की उम्र 40 से ज्यादा है। पुलिस ने जिन 2 लोगों को अरेस्ट किया है, उन्होंने अपने बयान में बताया कि दोनों लोगों के अंगों का इस्तेमाल तंत्र मंत्र और काला जादू होने में किया गया। एक तांत्रिक अपनी तंत्र साधना में इन अंगों का इस्तेमाल कर अपने ग्राहकों की तरक्की के लिए कुछ अनुष्ठान करने वाला था। पुलिस के मुताबिक ये पहला मौका है जब इस इलाके में गंजे लोगों पर इस तरह के हमले हुए हैं। इस इलाके में पहले भी गोरे लोगों की हत्याएं होती आई है। ऐसे लोगों को मारकर उनके अंगों का इस्तेमाल काले जादू में किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2014 से लेकर अब तक मोजाम्बिक में गोरी रंगत वाले 100 से ज्यादा लोगों पर हमले दर्ज हुए हैं।